बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एमएस एक्सेल के एनवायरनमेंट डिस्कस करते हैं। तो पहले कल में हमने इसके बारे में बताया था कि जो ऊपर वाला होता है वो बुक होता है, और इसका मतलब करण जो जिस पे हम काम कर रहे होते हैं उसका नाम होता है। ये कंट्रोल बटन है और ये रिबन है, ये हमारे पास टैब है, मेन्यूज़। इसको ऊपर को टाइटल बार कहते हैं, इसको मेन्यू बार कहते हैं, और इसको टैब कहते हैं। और टैब के नीचे जो होते हैं ये रिबन्स होते हैं, ये सारे रिबन्स हैं, सही है। ये मैं ओपन करता हूँ तो ये हमारे पास लेआउट के रिबन्स आ गए, फार्मूले के रिबन्स आ गए, सही है। तो एक एक रिबन्स है, सही है। यहाँ पे ये अलग सा रिबन्स है, क्लिप बोर्ड है, फॉन्ट है, अलाइनमेंट है, नंबर है वगैरह। यहाँ पे इसके बिलो इसको स्टैंडर्ड टूल बार भी कहते हैं, सही है। और इसको फार्मूला बार कहते हैं। यहाँ पे फार्मूला हमारे पास, जहाँ पे हम फार्मूला यहाँ पे भी सेल में भी लिख सकते हैं और यहाँ पे भी। और यहाँ पास सेल एड्रेस है, मतलब यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया तो ये तीन वाला रो है और जी वाला कॉलम है, ये सेल एड्रेस है। और ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है जिसपे हम क्या करेंगे, कुछ चीज़ें लिखेंगे। हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है। और यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट शीट होते हैं, शीट वन, शीट टू, शीट थ्री, शीट फोर, इस तरह हम, सही है। और ये हमारे पास रो होते हैं, रो में हमारे पास एज अ न्यूमेरिक वीडियो हम सेव करते हैं। और ये हमारे पास बहुत से रो हैं, इसमें तकरीबन आप गिन सकते हैं बहुत ज़्यादा रो होते हैं। और इसमें इस साइड पर हमारे पास क्या है, कॉलम है। इस साइड पर हमारे पास अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे कॉलम्स हैं, सही है। तो ये हमारे पास इसका एनवायरनमेंट है, और इसके ज़रिए हम क्या करते हैं, शीट्स बनाते हैं, डिफरेंट एडमिशन्स, टाइम टेबल्स, रिजल्ट शीट, सारा कुछ, मंथली शीट वगैरह सारा कुछ इसके ज़रिए हम करते हैं। अब आते हैं इसके फाइल की तरफ, फाइल टैब की तरफ। फाइल टैब में हमारे पास न्यू है, न्यू में हमारे पास आप यहाँ पे देखिए एग्जिस्टिंग टेम्पलेट्स हैं यहाँ पे, और अगर आप नेट ऑन हो तो यहाँ से ऑनलाइन भी हो सकते हैं। ओपन में अगर आपने कुछ काम किया हो, यहाँ पे अगर रिसेंटली हमें मतलब इस पर काम किया हुआ है, तो यहाँ पे देखिए तकरीबन अगर अब्दुल्ला एक रिजल्ट शीट बनाया हुआ है तो ऑलरेडी हम उसको ओपन करते हैं जो रिजल्ट शीट बनी हुई है, देखें। तो ये हमारे पास आप इस रिजल्ट शीट को देखें, ये हमारे पास ये रिजल्ट शीट बनी हुई है जिसमें हमारे पास नेम है इंग्लिश फिजिक्स केमिस्ट्री बायो उर्दू, और इसके नंबर हैं, सही। अब ये जो शीट ये तो ऑलरेडी हमने सेव की हैं, सही है। फिर इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या है कि अगर हम इसको मतलब अगर आप इस शीट को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे प्रोटेक्ट पे एकदम क्लिप करके आप क्या करते हैं, इंक्रिप्ट करते हैं पासवर्ड लेके, सही है। यहाँ से भी आप पासवर्ड लेके यहाँ पे 1 2 3 एक ओके करें। सपोज मैं पासवर्ड ले रहा हूँ, फिर दोबारा 1 2 3 फिर ओके। तो ये हमारे पास क्या है, जो शीट है हमारे पास, ये दोबारा इसको मैं ख़त्म करता हूँ, फिर दोबारा ओके सेव, क्योंकि एक काम मैंने चेंजेस कर दी इस पर, तो ये हमारे पास मैंने सेव कर दिया। आप इस दोबारा इसको मैं ओपन करता हूँ तो यहाँ पे देखें, ओपन पे जाके रिसेंट अब्दुल्ला शीट, तो ये हमारे पास पासवर्ड मांगेगा, सही है। तो इस तरह इसको हम पासवर्ड लेके प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं, सही है। पासवर्ड लेके इसको क्या करते हैं, प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं, वो ओपन हो गया, सही है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, सेव अगर पहले तो ऑलरेडी हमने सेव किए हैं, कुछ नाम लिखे आप सेव करो, या अगर आप क्या करते हो ब्राउज पे जाके उसका चेंज कर सकते हैं नेम, रिसेंट भी तो रिसेंट डॉक्यूमेंट ओपन होता है। या अगर आप चाहते हैं कि यार मैं नेम चेंज करूं, तो आप क्या कर सकते हैं, इसका जो नाम होगा आप चेंज कर सकते हैं, सही है। आप यहाँ से रिप्लेस करें रिजल्ट शीट भी आप नाम लिखें, सही है। तो आप सेव करें, सही है। और यहाँ से आप क्या करें, सेव करें। यहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से भी पासवर्ड ले सकते हैं, सही है। यहाँ से भी पासवर्ड ले सकते हैं, इसी एरिया से भी, सही है, उस एरिया से भी। और ये इसकी एक्सटेंशन है, ये एक एक्सटेंशन में ओपन हो सकता है, सही है। इन एक्सटेंशन में ये ओपन हो सकता है, सेव करो। तो हमने सेव कर दिया, तो हमारे पास ऊपर ये देखिए वर्कबुक आ गया शीट बी, इस नाम पे भी सेव हो गया, सेव एज हो गया। एग्जिस्टिंग पहले भी नाम था, उसने हमने चेंज कर दिया। अगर प्रिंट पे जाना है तो प्रिंट अगर हमने एक कॉपी करनी है तो एक कॉपी हम कर सकते हैं। आपने प्रिंटर को रेडी करना है, जो प्रिंटर आपके पास अगर थ्रू वाईफाई कनेक्ट हैं, अगर थ्रू हमारे पास थ्रू केबल कनेक्ट हैं, तो आप ले सकते हैं उसकी प्रिंट। फिर उसके एक्टिव प्रिंट शीट, जो एक्टिव शीट हैं जो सामने नज़र आ रही है उसकी प्रिंट नहीं दें, एंटायर वर्क बुक की लेनी है,
सही है, ओवरऑल वर्कबुक की आपने प्रिंट लेनी है, सही है। और प्रिंट सेलेक्शन जो आप सेलेक्ट करते हो, तो यहाँ से पेज, यहाँ से वन से लेकर फाइव तक या थ्री तक आप सेलेक्ट करते हो, सही है। फिर हमारे पास को रिलेटेड है कि वन 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 टू थ्री वाला कितनी, फिर दोबारा रिपीट करें वन टू थ्री और वन टू थ्री। फिर अनलोकेटेड हमारे पास क्या है, अनलोकेटेड हमारे पास वन वन टू टू थ्री थ्री, इस तरह करनी है आपने, सही है। और आपने पोर्ट्रेट करना है या लैंडस्केप करना है प्रिंट जो आप निकालते हैं, ये देखें जिस तरह आपको पसंद है उस तरह आप निकालेंगे, पोर्ट्रेट कर लो, सही है। अब लेटर में जाएँ तो लेटर है ये वही लीगल है, हमारे पास ए थ्री है, ए फोर है, इस तरह साइज आप बना सकते हैं, सही है। और इस पर आप क्या कर सकते हैं, इसकी प्रिंट निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद मर्जन है कि कितनी लेफ्ट राइट मर्जन करनी है आपने, सही है। और फिर उसके बाद स्केलिंग है या फिट आपने करनी है, फिट ऑन वन शीट वन पेज, फिट ऑल कॉलम इन वन वन पेज, सारे कॉलम एक पेज पे आपने फिट करने हैं, सही है। ऑल रो फिट ऑल रो वन पेज, ऑल रो वन पेज पे आपने फिट करनी है, तो ये हमारे पास और ऑल प्रिंटर की सेटअप है। फिर उसके बाद आप शेयरिंग पे आते हैं, तो शेयर आप ईमेल के थ्रू से ये शेयर कर सकते हैं। ईमेल के थ्रू आप अगर आप यहाँ पे देखें तो सेंड ईमेल अटैचमेंट या पीडीएफ में आप जब इसको कन्वर्ट करोगे वगैरह या आगे हम करेंगे, तो फिर आप इस या क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं पीडीएफ के थ्रू वगैरह, या आप शेयर कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ हमारे पास किस वजह से हम करते हैं कि हमारे पास डेटा जो होता है शेयरिंग आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पर ईमेल और जिस तरह आप पीडीएफ पे ईमेल अटैचमेंट सेंड टू एज अ एक्सपीएस और सेंड टू द फैक्स टू इंटरनेट वगैरह एक्सपोर्ट करना है, तो एक्सपोर्ट आप पीडीएफ क्रिएट करेंगे इसकी, फिर इसको आप एक्सपोर्ट करेंगे, सही है। पीडीएफ करेक्ट के हम क्या करते हैं, इसके पब्लिश करते हैं, पीडीएफ क्रिएट करते हैं, फिर पीडीएफ फाइल क्रिएट करते हैं, तो ये हमारे पास इसका पीडीएफ फाइल क्रिएट होगा, इसमें एडिटिंग नहीं होती, सही है। मतलब ये है कि जिनको आप सेंड करोगे ना, तो वही वो वही फॉर्मेट पे होगा जिस तरह आपने बनाया था ना, इस तरह वो फॉर्मेट में होगा और इसमें कोई चेंजेस भी नहीं होगा, सही है। तो ये हम करते हैं इसके ज़रिए। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है कि यहाँ पे फिर हमारे पास क्या है, यहाँ पे पब्लिश करना है कोई चीज़ आप पब्लिश करें, सही है, यहाँ पे तो आप पब्लिश कर सकते हैं, सेव एज क्लाउड वगैरह भी सेव करना सकते हैं। फिर क्लोज है, फिर अकाउंट के बारे में इंफॉर्मेशन है कि ये हमारे पास एक्टिवेटेड है, अपडेटेड है, कौन से अकाउंट है, और मोर हमारे पास मोर फीडबैक थे। और यहाँ पे आप ऑप्शन देखें, इसकी जो जनरल सेटिंग है, फार्मूलाज हैं, प्रूफिंग है वगैरह, ये आप कर सकते हैं। एक्सेसिबिलिटी एडवांस, कुछ चीज़ें रिमूव करने, कुछ ऐड करने, लैंग्वेज ऐड करने, लैंग्वेज रिमूव करने, सारा कुछ यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं, यहाँ से टूल्स वगैरह सारा सेटिंग यहाँ से कर सकते हैं, सही है। थैंक यू।